हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मॉर्निंग का व्लॉग अगले दिन का, मतलब ये दूसरे दिन का है। अगले दिन तो पूरा दिन सफाई में ही निकल गया और आज का भी दिन जाने वाला है थोड़ा ऊपर की सफाई में। कल मैंने नीचे का किया था, कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में कोई शादी फंक्शन हुआ है, इतना मतलब सब मेहमान लोग आए थे, तो कितना भी बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, मैसी तो हो ही जाता है। तो बस सब वो साफ़ सफाई में सब चीज़ करने में बहुत समय लग गया। फिर यहाँ पे आज मैंने हेयर वॉश किया, पूजा की, इसके बाद में यहाँ पर अंदर आ गई, भगवान की यहाँ पर पूजा करी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कल आओ मैं बेडशीट लगा देती हूँ। और आज आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। आपने मेरे जो प्राण प्रतिष्ठा वाले ब्लॉग थे वो उनको इतना ज़्यादा प्यार दिया और इतने अच्छे से आपने वॉच किया उनको, वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अब ये ना पूरी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब हम लोग डेली मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं वहाँ पर। और काफ़ी टाइम से हम लोगों को इंतज़ार था कि कब हमारे भगवान जी इसमें बैठेंगे मंदिर में, समय लग गया था थोड़ा सा। तो बस अब डेली पूजा हुआ करेगी, आप लोगों को भी मैं दर्शन कराया करूँगी। तो यहाँ पर बेडशीट चेंज कर दी थी मैंने और मशीन में लगा दिए हैं काफ़ी सारे कपड़े। ये बुधवार का ब्लॉग है, थोड़ा सा लेट हो गया है आज मुझे एडिट करने में, क्योंकि वो थकान ही नहीं उतर रही। तीन दिन लगातार कंटिन्यू हम लोग ना दिन में लेटते थे, क्योंकि पूरा दिन ही पूजा चलती थी, फिर शाम को खाने वाने की तैयारी उसमें ही लग जाते थे, तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। तो अभी इतनी ज़्यादा मतलब थकान हो रही है, दिन में भी सो लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बस यहाँ पर आंटी से कह दिया है मैंने पोछा लगाने के लिए ऊपर, और झाड़ू मैं ही लगा दूँगी। फिर यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपना डिटॉक्स वाटर, क्योंकि अगर ये ना पियो ना तो फिर हस्बैंड गुस्सा होने लगते हैं कि तुम्हारे लिए बना कर रख कर जाता हूँ, क्योंकि हम लोग आधा आधा ले लेते हैं, वो ही बनाते हैं, मेरे पास नहीं इतना समय रहता है इन चीज़ों को रात में कट करो। और ये क्या रात भर इसमें खीरा नींबू और जो भी चीज़ें हैं वो डालते हैं, वो डाल के रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर सुबह उठ के इस पानी को पियो तो काफ़ी अच्छा रहता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो बस ये पानी पी लिया, इसके बाद मैं लग गई यहाँ पर एक कपड़े तय करने। कपड़े भी बहुत सारे मैंने धुले थे, अगर आप मेरा व्लॉग देखते ना कितना काम मतलब किया है और इतनी ज़्यादा सफाई की है तो आप देखते रह जाते। तो बस वो मैंने शूट नहीं किया, फिर क्या शूट करने में और थकान हो जाती है कि एक तरफ बार बार हमको मोबाइल पकड़ना पड़ता है, मोबाइल सेट करना पड़ता है, ध्यान आधा उधर रहता है, तो फिर नहीं करा था हमने शूट। तो बस यहाँ पर मेरे भी कपड़े हैं, जो ब्लाउजेस वगैरह पहने सारे कपड़े, मेरी सारी साड़ियाँ मैंने धुल ली हैं, कोई भी मैंने ड्राई क्लीन के लिए नहीं भेजी, बस हाँ धुल के और प्रेस करवा लूँगी उन पर तो बिल्कुल सही हो जाती हैं वो, क्योंकि मेरा ना
प्योर का कपड़ा है ना तो वो सिकुड़ जाता है, अगर उस पर धुल लो तो वो सिकुड़ जाता है, या तो फिर उसको ड्राई क्लीन करवाने के लिए भेजो। तो बस यहाँ पर मेरे फटाफट से सारे कपड़े हैं वो तय हो गए हैं, अब चलते हैं नीचे किचन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी जी ने सब्जी कट करके रख दी, अभी दोपहर का कुछ 12 बज रहे होंगे, और एक तरफ मैंने गैस भी ऑन कर दी है तवा की, क्योंकि सुबह का जो आटा बचा हुआ था उसी के ही बस मैं रोटियां बना दूंगी। और अभी हम 3 लोग ही हैं, और ये अपने लिए पुलाव बनाकर वो अपना पता नहीं सोयाबीन वगैरह और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के लेकर जाते हैं, तो वो अपना गए हैं बाहर इंदौर, तो वो अपना बना कर ले गए हैं। तो अभी तो फ़िलहाल उनका जो है ना जो खाना रहता है वो ज़्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ, और तो मम्मी जी को भी इतना नहीं आता, क्योंकि गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं और ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे नहीं शूट करती हैं ज़्यादा। तो बस यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, और आप लोग कमेंट में बताना कद्दू को आपके यहाँ क्या क्या कहा जाता है, हर जगह अलग अलग चीज़ें कही जाती हैं। आज हरी मिर्च से नहीं, लाल मिर्च से मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, और मेथी दाना राई से, जीरा नहीं डालूंगी। और बस तो फ्रेंड्स यहाँ पर बस फटाफट एक तरफ मैंने सब्जी मतलब बन रही है और रोटियां बना लेती हूँ, दाल चावल वगैरह ये सब कुछ नहीं बनाया, थोड़ा सा पुलाव भी रखा हुआ है, तो बस वही हम सब लोगों के लिए हो जाएगा, मतलब हम 3-4 लोगों के लिए। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से देख रहे हैं आप लोग ये भी ज़रूर बताना आप सभी लोग। तो चलो चलते हैं अब ऊपर, क्योंकि मैंने रोटी ज़्यादा नहीं सेकना था, बस थोड़ी बहुत सेकी, और ना मौसम हो रहा है बारिश जैसा, पर ये भी अच्छा है कि बारिश अब हो रही है, 3 दिन जो फंक्शन चले ना तब बारिश नहीं, ये भी कुछ ईश्वर की कृपा रही। तो यहाँ देखिए मैंने बकेट रख दी है, क्योंकि ऊपर सही से ना बंद नहीं हुआ ये, और बारिश देखिए पूरे जोरों शोरों से है, काली घटा बहुत तेज से कम 1-1.5 घंटे से लगातार बरस रहा है, तो ये पानी भर गया सब जगह, पानी चला जाएगा, बारिश ही बारिश का पानी है, मंदिर देखिए